केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। पहली बात, यहां पर पॉइंट जो लिखा गया है, क्या लिखा गया, मोस्ट ऑफ ड्रग यूज्ड एज मेडिसिन आर पोटेंशियल पॉइजंस। ऐसा कहते नहीं कि देखो तुम सिर दर्द की जब दवा है एक खा रहे हो तो अच्छी बात है, और कभी कभी देखो नहीं कहते घर में गुस्से में आकर उन्होंने 20 पैरासीटामोल खा ली, अब क्या होगा? हमने कहा कुछ नहीं होगा, अगर ऊपर वाला चाहेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, यही होता है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर वही ड्रग है, वही जो मेडिसिन है, वही पॉइजन बन सकता है, जहर बन सकता है, जब उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, एक्सेस में ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए लिखा मोस्ट ऑफ ड्रग यूज्ड एज मेडिसिन आर पोटेंशियल पॉइजन। जो ज्यादातर ड्रग की तरह यूज करते हैं, जो ड्रग है वो मेडिसिन की तरह यूज होती है, लेकिन वो पॉइजन भी है। क्या है वो? जहर भी है, सही है ना। चलो आ जाओ दूसरे नंबर, क्या यूज ऑफ केमिकल फॉर थेरेपेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड क्या, कीमोथेरेपी। थेरेपी, अब थेरेपेटिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? थेरेपी देना, किसी चीज को सही करने के लिए जो ट्रीटमेंट देना उसको बोलते क्या है? अगर और तुम केमिकल जो यूज कर रहे हो थेरेपी के लिए तो उसको बोलेंगे कीमोथेरेपी। कि जैसे कैंसर में खासकर लिखा जाता है कीमोथेरेपी, यानी केमिकल मेडिसिन देना कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी रेडिएशन देना। क्लियर हो गया? तो कीमोथेरेपी भी तुम्हें पता चल गया। ये दो पॉइंट थे जो एनसीईआरटी के एक पैराग्राफ में तुमको मिले थे, जो हमें जरूरी था कि इसको तुम लोग को बताया जाए। याद हो गया पहला पॉइंट, पोटेंशियल पॉइजन का मतलब समझ गए हो? चलो अब देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि अब तुम यहां पर ड्रग वगैरह पढ़ रहे हो, तुम ऐसा एंटीबायोटिक जब खा लेते हो तो ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से तुम्हारे शरीर में बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसके लिए एक तो पहली बात, किसी भी एंजाइम के काम करने की प्रोसेस को समझना होगा कि कोई एंजाइम कैसे काम करता है। जैसे तुम खाना खाते हो तो प्रोटीन खाते हो, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए केवल प्रोटीएज ही काम करेगा, है ना। अगर फैट खा रहे हो तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए कोई लाइपेज ही काम करेगा, यानी किसी भी चीज को डाइजेस्ट करना है तो उसका पर्टिकुलर एंजाइम होता है, दूसरा नहीं काम करा सकता। प्रोटीन को लाइपेज नहीं डाइजेस्ट कर सकता है और फैट को प्रोटीएज डाइजेस्ट नहीं कर सकता, एक दूसरे कारण उसका क्या होता है। जैसे क्या होता है, जो भी एंजाइम होते हैं वो अपने सरफेस में एक पर्टिकुलर टाइप का एक्टिव साइट रखते हैं, इस साइट को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एक्टिव साइट। और इस एक्टिव साइट का जो शेप होगा और इस पे फिट होने वाला जो सबस्ट्रेट होगा वो भी इसी साइज का होगा, तो इस साइज का ही हम बनाते हैं। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, एक सबस्ट्रेट हो गया जिसपे जो जा करके इसमें क्या करेगा, फिट होगा। और ये सबस्ट्रेट है एस पार सबस्ट्रेट, इस पे जाके फिट होगा, और ये जो एंजाइम है इस सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बना के इसमें कुछ चेंज करेगा, जो कि किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, एक प्रोडक्ट के रूप में, यानी किसी भी सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे इसको, रिएक्टेंट भी बोल सकते हो, यानी कि कोई भी चीज जो आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होना चाहती है वो एंजाइम की मदद से हो रही है, और वो उसको एक्टिव साइट में फिट होना पड़ेगा, तभी जाके कन्वर्ट किस पे होगा, प्रोडक्ट। अब यहीं पे सोचो कोई ऐसा सबस्ट्रेट हो जो इससे मिलता जुलता ना हो, मान लो कोई सबस्ट्रेट ऐसा करके है, अब ये जाके वहां फिट ही नहीं होगा, जब फिट नहीं होगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा, बॉन्ड नहीं बनेगा तो किसमें कन्वर्जन नहीं होगा, प्रोडक्ट में। एक तो एक्टिव साइट के यानी का शेप का सिलेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अगर ये आएगा तो फिट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ये होगा तो नहीं फिट होगा तो नहीं कन्वर्ट होगा। अब ध्यान से सुनना, एक तो ये हो गया किसी भी काम करने की प्रोसेस का कॉन्सेप्ट, लेकिन अब ध्यान से सुनना, जब तुम एंटीबायोटिक खाते हो, एंटीबायोटिक खाते हो तो होता क्या है, वो बैक्टीरिया के सेल वॉल को बनाने वाले एंजाइम के साथ जाके बाइंड कर जाता है। सुनना, जैसे मान लो सेल वॉल बन रही है, किसकी सेल वॉल बन रही है, बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया बड़े मन से कोई एंजाइम है इसको रखा हुआ है, और ये उस एंजाइम में प्रेजेंट एक्टिव साइट है जो उसके सेल वॉल को बनाने के लिए जिम्मेदार है। अब मान लो इसका शेप कैसा होगा, इस तरीके का होगा, ये जाके इसमें फिट हो जाएगा और क्या बन जाएगी, सेल वॉल बन जाएगी, और सेल वॉल क्या करेगी, एक बैक्टीरिया के ऊपर की कवरिंग हो गई, आराम से उस बैक्टीरिया को बनाने में मददगार है। सोचो अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल ना बनने दें तो बैक्टीरिया भी हमारे शरीर में नहीं बन पाएगा। तो हम लोग करते क्या, एंटीबायोटिक खा लेते हैं। एंटीबायोटिक में होता क्या है, उस तरह के सबस्ट्रेट होते हैं जो, मतलब जो ड्रग है तुमने खाया, मान लो कोई एंटीबायोटिक हमने ऐसा लिया
जो अपना शेप कैसा रख रहा है ऐसा ही। तो ये एंटीबायोटिक है, तुमने खाया, अब क्या होगा, जो मटेरियल है, जो सबस्ट्रेट है, जिसको बनाने के लिए क्या बोलेंगे कि वो सिलवाल को क्या कर रहा है, बना रहा है, ये जाके फिट होगा तभी बैक्टीरिया की क्या बनेगी, सिलवाल और बैक्टीरिया नए नए अपना बनते रहेंगे। अब तुमने ऐसी एंटीबायोटिक खा ली, अब इसके साथ क्या कंपटीशन शुरू हो गया, ये सबस्ट्रेट ना फिट होकर के कौन फिट होने लगा, एंटीबायोटिक फिट होने लगा, यानी कि सलवाल बनना क्या हो गई कम। बोलो, और जितना ज्यादा तुम्हारे अंदर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है उतने कहते हैं मिलीग्राम बढ़ाओ, यानी कि ज्यादा खाओ एंटीबायोटिक। क्यों ज्यादा खाओगे तो ज्यादा इस तरह के सबस्ट्रेट तुम्हारे शरीर में जाएंगे, ये वाले एंटीबायोटिक वाले, ये यानी कि उतना ज्यादा बैक्टीरिया के सलवाल बनने के चांस चांस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के हम लोग एंटीबायोटिक में क्या खाते हैं, इस तरह के से, इसीलिए देखो डिफरेंट डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एंटीबायोटिक से सही होते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई दूसरा बैक्टीरिया हो जो अपने में इस तरह का कुल मिलाकर के एंजाइम रख रहा हो, है ना। और तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हमारे पास जो फिट होने के लिए होगा वो ये होगा, तो इसका मतलब हम ऐसे एंटीबायोटिक को खाएं जो सेम इस तरह का शेप रखता हो और इसमें जाके फिट हो जाए, सेलवाल को न बनाए। इसलिए अलग अलग एंटीबायोटिक अलग अलग डिजीज में अलग अलग बैक्टीरिया के केस में चलती हैं। क्लियर हो गई बात, तो एक तो ये हमें समझना है। तो अब देखो जो तुम लोग वहां पर पेज में देख रहे हो, तो हमने पहले नंबर पे क्या बनाया, एक एंजाइम, और उस पर क्या बनाया, एक्टिव साइट। अब दो चीजें हैं, एक ड्रग है एक सबस्ट्रेट है, यानी कि दोनों फिट हो सकते हैं। थोड़ा सा ड्रग को वहां देखोगे तो ड्रग थोड़ा मोटा ज्यादा चला गया, क्यों, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमने शेप उनका सेम तरह बनाया है, यानी कि दोनों फिट हो सकते हैं। आगे एरो लगा के फिट करते हुए दिखाया है, और फिट होने के बाद नीचे क्या लिखा है, ड्रग फिट इनटू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट डू नॉट चेंज इनटू प्रोडक्ट, यानी और नीचे क्या लिखा, ड्रग इनहिबिट यानी रोक देता है द सबस्ट्रेट टू फिट इनटू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। तो तुम्हारे दवा खाने से क्या फायदा हुआ, जो तुम्हारे शरीर में कोई चीज बन रही थी वो बनना क्या हो गई, बंद हो गई। अब आगे आ जाओ, इसको बोलते हैं दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ ना यार, देखो इन दोनों के बीच में एंटीबायोटिक और सबस्ट्रेट बीच कंपटीशन हुआ ना, तो इसको किस तरह के एरो लगा के आगे क्या लिखा है, कंपटीटिव इनहिबिटर, यानी कंपटीशन करके हमने इनहिबिट कर दिया यानी रोक दिया। क्लियर हो गया, तो इसको बोलते हैं कंपटीटिव इनहिबिटर्स। नीचे आ जाओ, सेकेंड नंबर पॉइंट में क्या समझाने, जरूरी नहीं है कि तुम हमेशा एक्टिव साइट पे ही जा करके डिस्टर्ब करो उस एंजाइम को, सुनना ध्यान से। यहां पर देखो तुम यहां पर क्या कर रहे हो, एक्टिव साइट पे जाके अपने ड्रग को फिट करा दे रहे हो। जरूरी नहीं है कि तुम्हारा ड्रग हमेशा एक्टिव साइट पे ही फिट हो, कभी कभी कोई एंजाइम ऐसे होते हैं जिनके नीचे की तरफ एक साइट और पाई जाती है जिसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। एक्टिव साइट के अलावा दूसरी साइट कौन सी पाई जाएगी, एलोस्टेरिक साइट। उस एलोस्टेरिक साइट पे क्या करेगा, सबस्ट्रेट, मतलब सबस्ट्रेट तो यहां फिट हो रहा है लेकिन तुमने जो ड्रग खाई है वो यहां फिट हो जा रहा है। जब ड्रग यहां फिट हो जा रहा है तो एक्टिव साइट के शेप को क्या कर दे रही, बदल दे रही, यानी अब एक्टिव साइट हो सकता है तुम्हारा ऐसे हो जाए। किसके बाद, जब तुमने किसको मिला दिया, बोलो, जब यहां पर एलोस्टेरिक साइट में, यानी कि एलोस्टेरिक वो साइट होती है जहां पर ड्रग पहुंचती है और पहुंचने के बाद एक्टिव साइट को क्या कर देती है, बदल देती है। अब तुम सोचो ये सबस्ट्रेट अब आया, पहले तो यहां फिट हो जाता था, अब तुमने उसको क्या बदल दिया है, एक्टिव साइट, अब वो जाके फिट नहीं होगी, सबस्ट्रेट चेंज नहीं होगा किसमें, प्रोडक्ट में। क्लियर हो गया, तो देखो आगे क्या लिखा है, सेकेंड पॉइंट में एक्टिव साइट है, एंजाइम भी है, एलोस्टेरिक साइट है। तो पहली बात देखो सुनो, एलोस्टेरिक साइट के साथ एक्टिव साइट का होना जरूरी है, बिना एलोस्टेरिक, तुम सोचो बिना एक्टिव साइट के कोई भी एंजाइम नहीं होगा, यानी एक्टिव साइट 100% रहेगा भले उसमें एलोस्टेरिक साइट हो और चाहे ना हो, समझ रहे हो बात को, यानी एंजाइम विदाउट एक्टिव साइट पॉसिबल नहीं है, एंजाइम विदाउट एलोस्टेरिक साइट पॉसिबल है, दिख रहा है ना दोनों से। चलो आगे आ जाओ, एरो लगा के देखो क्या लिखा है, शेप चेंज ड्यू टू इनहिबिटर, मिला क्या, देखते जाओ अगले वाले कहानी पे। और फिट होने के बाद नीचे क्या लिखा, इनहिबिटर यानी क्या, ड्रग, क्योंकि इनहिबिट करने वाला कौन है, ड्रग, जो तुम दवा खा रहे हो। एलोस्टेरिक साइट में फिट हो जाएगा और एंजाइम के एक्टिव साइट को बदल देगा जिससे सबस्ट्रेट चेंज नहीं हो पाएगा किसमें, प्रोडक्ट में। क्लियर हो गई, तो सिंपल सी लाइन है अपना, तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, हमने इंग्लिश में नहीं लिखा, हिंदी में ना हमें आती भी इतनी लंबी लाइन लिखना। और नोट करके आगे क्या लिखा है, नोट करके क्या लिखा है, यदि इलेस्टेरिक साइट में बनने वाला बॉन्ड स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि टूटेगा नहीं तो बॉडी इसे तोड़कर नया एंजाइम बना देगी। सुनना ये कहना क्या चाह रहा है, एक्चुअली जब इस एलोस्टेरिक साइट में जाकर कोई फिट हो जाता है ड्रग, जनरली एंजाइम क्या होते हैं, रीयूजबल होते हैं, बार बार क्या होते हैं, यहां पर
फिट होता है कोई चीज़, फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब तुम सोचो अगर कोई चीज़ फिट हो गई और उसने बांड क्या बना लिया स्ट्रांग, अब टूट नहीं रहा, तो क्या करोगे? उसको पूरा बॉडी क्या करती, तोड़ के बाहर ही कर देती, फिर नए एंजाइम को बनाती। ये कहने का मतलब है, अगर एग्जाम में पूछा जाए, अगर मान लो स्ट्रांग बांड बन गया तो क्या होगा? कुछ नहीं, बॉडी क्या करेगी, उसको हटा के तोड़ देगी और नया बना देगी। तो यही बात लिखा है, तुम पढ़ लो चाहे नोट करके। क्या यदि एलोस्टेरिक साइट में बनने वाला बांड स्ट्रांग कोवेलेंट बांड है जो कि टूटेगा नहीं, तो बॉडी इसे तोड़कर नया एंजाइम बना देगी। समझ रहे हो? बस एक पॉइंट है ये। नीचे आ जाओ, ड्रग एक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल के ऊपर की जो कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन। अब सुनो, अब तुम्हारे ये मान लो तुम्हारी क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन जिन्होंने पढ़ा है तो उसको हमने बताया था कि क्या होती है, लिपिड बाई लेयर होती है। क्यों? ये सेल मेम्ब्रेन है और इस तरीके से क्या होती है, लिपिड की बाई लेयर होती है, सही ना? तो इस तरह हमने बनाया है। अब होता क्या है, यहां पर वो पाए जाते रिसेप्टर पाए जाते प्रोटीन के। अब तुम सोचो इस सेल में कोई कमी है, उसके लिए हमने दवा कोई खाई है, तो अब ऐसा नहीं है कि मेडिसिन अंदर चली जाएगी। तो मेडिसिन जा करके क्या करेगी, एक यहां पर अपने मैसेज को भेजेगी, कन्वे करेगी, किसके थ्रू? इस प्रोटीन के थ्रू। अब उस प्रोटीन का नाम वहां देखो फिगर में क्या लिखा हुआ है, रिसेप्टर प्रोटीन, यानी कि ऊपर से जो आया है मैसेज उसको क्या करेगी, रिसीव करेगी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिसेप्टर प्रोटीन। तो देखो क्या लिखा है, और ऊपर जो बैठ करके मैसेज दे रहा है उसका नाम एरो लगा के क्या लिखा है, ड्रग या केमिकल मैसेंजर, जो मैसेज लेके आया है ना। तो केमिकल, अच्छा देखो सुनो, अभी तक तुमने मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर को ड्रग बोला, इनहिबिटर को क्या बोला, ड्रग बोला, समझ रहे हो ना, दो चीजें हैं। तो देखो नीचे करके आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन लिखा है, और मेम्ब्रेन तुम्हें दिख रही है, और नीचे की तरफ देखो ऐसा लगता है वाईफाई का सिग्नल दिखा रहा है, क्यों दिख रहा है, नहीं दिख पा रहा है? और देखो एरो लगा के गिव मैसेज टू इनसाइड द सेल, मैसेज किधर की तरफ जा रहा है, सेल के अंदर की तरफ, और क्या, तभी सेल में कोई चेंज है। अब आ जाओ इनमें से पहला दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। पहला क्या लिखा है, ड्रग दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट ऑफ द रिसेप्टर प्रोटीन, है ना, यानी एक्टिव साइट इन एंड इनहिबिट दियर नेचुरल फंक्शन इज कॉल्ड का एंटागोनिस्टिक, यानी वर्क अपोजिट टू द नेचुरल फंक्शन या बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। सुनना ध्यान से, अच्छा नेचुरल फंक्शन या बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, मान लो पहली बात जो शरीर में हो रही थी प्रोसेस उसको रोकना है। जैसे मान लो हम ऐसा बोल दें, कोई तुम्हारे पास कोई ऐसा पेशेंट आया, मरीज आया, जो बोल रहा है कि हमारे माउथ में सलाइवा बहुत ज्यादा बन रहा है, स्वेटिंग कभी कभी हाथों में बहुत ज्यादा होती है, यानी मान लो सलाइवा बहुत ज्यादा बन रहा है, इतना ज्यादा सलाइवा बन रहा है कि हम परेशान है, तो इसका मतलब है तुम्हें जो नेचुरल फंक्शन है सलाइवा का बनना, उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या दोगे, एक कोई केमिकल दोगे, ड्रग दोगे, अब वो क्या करेगा, तुम्हारे नेचुरल जो प्रोसेस है क्या सलाइवा बनने वाला, उस प्रोसेस के क्या कर रहा है, अपोजिट काम कराएगा कि सलाइवा ना बने, यानी इसको बोलेंगे एंटागोनिस्टिक, यानी कि नेचुरल जो बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है उसके अपोजिट जो काम करा रहे हो उसको क्या बोलने वाले हो, एंटागोनिस्टिक। क्लियर हो गई बात? तो देख लो, अब पढ़ लो चाहे, ड्रग दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट, है ना, और क्या लिखा है यार, रिसेप्टर प्रोटीन में इनहिबिट क्या कर रहा है नेचुरल फंक्शन को, तो उसको क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्टिक, यानी अपोजिट टू नेचुरल फंक्शन, खत्म। सेकेंड नंबर पे एगोनिस्टिक, एंटा मतलब होता है एंटी यानी अपोजिट, एगोनिस्टिक का मतलब क्या होता है, साथ देना उसका, यानी नेचुरल प्रोसेस को क्या करना, बढ़ाना। तो देखो लिखा है यह एंटागोनिस्टिक के अपोजिट होता है, क्यों होगा, एंटा मतलब होता है एंटी और साथ देना मतलब क्या हो गया, एगोनिस्टिक, सही ना। तो क्या लिखा, जब नेचुरल मैसेंजर नहीं होगा, मान लो तुम्हारे मुंह में सलाइवा बनी नहीं रहा, मुंह सूख गया है, अब यानी कि तुम्हें चाहिए क्या, जो नेचुरल प्रोसेस है सलाइवा बनने का वो क्या कर दो, बढ़ा दो, यानी कि रियल में जो तुम्हारे पास सलाइवा को बढ़ाने वाला नेचुरल तरीके से बना मैसेंजर है, केमिकल है, वो काम नहीं कर रहा, तो तुम्हें मेडिसिन लेकर के सलाइवा को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि तुम अपने नेचुरल काम को करा रहे हो, इसको बोलेंगे क्या, बोलो एगोनिस्टिक। तो फिर से पढ़ो एगोनिस्टिक में क्या लिखा है, यह एंटागोनिस्टिक क्या होता है, अपोजिट होता है, जब नेचुरल मैसेंजर नहीं है, नेचर वाली बात नहीं है तुम्हारे में, तो खुद रिसेप्टर प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा और बायोलॉजिकल रिस्पांस देगा, यानी नेचुरल रिस्पांस देगा, तुम्हारे बॉडी की रिस्पांस देगा, यानी अब सुनना, एगोनिस्टिक तुम्हारे बॉडी के काम को कराएगा, और जबकि एंटागोनिस्टिक बॉडी के काम को यानी नेचुरल बायोलॉजिकल फंक्शन के अपोजिट कराएगा। क्लियर हो गया, दो चीजें हो गई तुम्हारे पास। आगे आ जाओ अगले पेज में, थेरापेटिक ड्रग। अब हमको पढ़ना है ड्रग के बारे में, कौन कौन सी ड्रग है। पहला है तुम्हारा भैया जो एसिड वेसिड बहुत बनता है, डकार उकार, समझ रहे हो, उसी को पढ़ाया जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या शुरू में यही होती थी, लोग इसीलिए डाबर वालों ने हाजमोला बहुत बेचा है,
हाजमोला नहीं चुना क्या? सब ज्यादा हाजमोला नहीं देखो, जब जहाँ नहीं हाजमोला है कहाँ है लाओ। पहले तो बड़े बड़े लोग होते थे, घर में रखते थे, पूरा का पूरा टिकिया रखते थे। नहीं समझ रहा, ज्यादा बात ना करी, कुछ लोग के मुंह में पानी आ रहा होगा। चलो आ जाओ पहले नंबर पे, एंटा एसिड। एंटा एसिड, तुम ऐसी ड्रग खाने वाले हो जो क्या किसकी तरह काम कर रहा है? एंटा मतलब अपोजिट, किसके? एसिड के। अब कब खाओगे? जब तुम्हारे एसिड ज्यादा बनेगा, समझ रहे हो ना। तो देखो क्या लिखा, मोर एसिड कॉजेज अल्सर ऑन स्टमक। पहली बात यह है, ज्यादा तुम सोचो एससीएल क्या करता है, जला देता है ना स्किन को। अल्सर का मतलब होता है घाव। अगर घाव पैदा हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे शरीर में यानी तुम्हारे स्टमक रीजन में क्या बन रहा है, ज्यादा एसिड बन रहा है। तो तुम्हें क्या खाना चाहिए? एंटा एसिड। तो नीचे देखो क्या लिखा है, यानी HCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, या AlOH का होल थ्राइस, या MgOH का होल ट्वाइस इनिशियली यूज्ड एज एंटा एसिड। अब ये तो शुरू शुरू यूज होते थे, लेकिन उनमें से कहानी एक एक की पढ़ते हैं। यानी HCO3 में क्या लिखा है, ये नाटक ज्यादा इसका था, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता था तो और ज्यादा एसिड बनाने लगता था। देखो कैसे, ज्यादा मात्रा स्टमक को एल्कलाइन बना देता था, जिससे स्टमक और एसिड बना देता था। ये कहानी नहीं समझ में आई तुमको, हम सुनाते हैं समझते हैं। देखो बॉडी क्या करती है, जैसे मान लो तुम्हें पता है कि जितनी शरीर में गर्मी होगी उतना स्वेटिंग आएगी, समझ लो, बॉडी तुरंत उसको खत्म करने काम करती है ना। अब सुनना ध्यान से, यानी कि तुम्हारे शरीर में गर्मी बढ़ी तो तुम क्या करा दिए, तुम्हारी बॉडी ने क्या करा दिया, स्वेटिंग ज्यादा करा दिया। तुम्हारे स्टमक में अगर बेसिक बढ़ गया तो तुरंत एसिड बढ़ा देगा। और ये क्या करता था, एसिड यही काम करता था, इतना ज्यादा बेसिक नेचर कर देता था कि वो और एसिड बनाना शुरू कर देता था। समझ में आई बात? जैसे कभी कभी होता है तुम्हारे, होता है कि कभी कभी तुम्हारे यहाँ कोई काम बहुत मन से कर रहा हो, कोई चीज नीचे गिर गई मान लो है ना, तो गुस्से में फिर सभी फेंक देते हो, नहीं जाओ अब कुछ नहीं, ठीक ना। तो उसी तरीके से अगर एल्कलाइन है तो इसका मतलब है, एल्कलाइन बढ़ा तो इसका मतलब क्या, स्टमक में HCl बनाने की टेंडेंसी और बढ़ जाएगी। सही चल रहा है? ये कौन करता था? इसलिए हम लोगों ने इसका यूज क्या कर दिया, ना क्या कर दिया, ना, ना मतलब NaHCO3। दिमाग बनाते जाओ, NaHCO3 ना हो गया इसका। पूछा जाएगा एग्जाम के दिन, हम एंटा एसिड NaHCO3 का यूज क्यों नहीं करते? चार ऑप्शन रहेगा, ढूंढ लेना क्यों, क्योंकि एल्कलाइन को नेचर को और बढ़ा करके स्टमक से एसिड निकालने को और मजबूर कर देता है। क्लियर चल रहा है? दूसरे नंबर पे आ जाओ, AlOH का होल थ्राइस और MG है ना, लेकिन ये इतने अच्छे मेटल हाइड्रोक्साइड हुआ करते थे कि ये कभी भी बेसिक यानी pH 7 के ऊपर नहीं जाने देते थे। अच्छी बात है। अब यार सोचो, NaHCO3 जाने देता था और ये जाने नहीं देते थे, तो ये बेटर हो गया। अब आगे क्या लिखा है, न्यूट्रल बनाए रखते थे, ब्रैकेट में क्या लिखा है, और इसलिए लिखा है बेटर दैन, क्या लिखा है, NaHCO3, ठीक है ना। चलो अब नोट करके क्या लिखा है, अच्छा ये जो MgOH का होल ट्वाइस है, ये जनरली मार्केट में बिकता है एंटा एसिड ग्रुप, बताओ क्या है? देखो उसका टेबलेट भी आएगी, हाँ डाइजीन, डाइजीन है, मिल्क आप मैग्नीशिया इसी बोलते हैं ना, पढ़ क्या ना, मिल्क आप मैग्नीशिया पता है ना, ये सेकंड ग्रुप में पढ़ा था तुम लोगों ने। चलो नोट करके आगे क्या लिखा हुआ है, हिस्टामाइन, पेप्सिन और HCl बढ़ा देता है, अभी बताते हैं। नोट करके जो पॉइंट लिखा है क्या, हिस्टामाइन पेप्सिन और HCl को बढ़ा देता है। हिस्टामाइन किसको किसको बढ़ा देगा, इसलिए इसलिए हिस्टामाइन को स्टमक वाल से इंट्रैक्शन से रोकने के लिए रेनेडिडिन या जेंटेक यूज की जा गई। हाँ देखो हिस्टामाइन किसकी तरह काम करता है, एक वासोडायलेटर की तरह, मतलब तुम्हारे जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनको डायलेट कर देता है। मान लो तुम्हारी वेसल की जो थिक मतलब बीच में ल्यूमेन था वो ये था, अब अगर हिस्टामाइन काम करेगा तो तुम्हारी जो ल्यूमेन है यानी कि अंदर की जो स्पेस है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और तुम्हें पता है अगर स्पेस बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के वासो क्या बोला जाता है इसको, डायलेटर। अच्छा देखो तुम्हें बताएं हम, हिस्टामाइन तुम्हारे शरीर में निकलता कब है, जब तुम जुखाम से पीड़ित हो जाते हो, समझ रहे हो, और सारे एक्शन जो तुमको यहां पर हिस्टामाइन के मिलेंगे वो सब जुखाम के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जिसको जुखाम हो गई तो वो आदमी बिल्कुल सुस्त हो जाता है, समझ रहे हो ना, बिल्कुल सुस्त हो जाता है, बस रुमाल लेके बैठा रहता है, क्यों नहीं होता है, हुए नहीं, जुखाम में आराम से बैठे रहते हो सुस्त हो जाते हो,
दौड़ रहे होते हो। हाँ, तो देखो क्या लिखा है, इज ए वासोडायलेटर और कॉन्ट्रैक्ट द स्टमक मसल इन, क्या लिखा है, ब्रोंकाई, स्मूथ मसल जो कहां की है, ब्रोंकाई की, और कहां की, गट की, पूरा आया कि नहीं सब में, ब्रोंकाई एंड क्या लिखा है, जी यू गट, जी यू टी, टी कर लो, किसी में था कि नहीं, हाँ, फिर आगे आ जाओ, आल्सो एसोसिएटेड विथ नेजल कंजेशन, नेजल का मतलब नाक, कंजेशन मतलब भीड़, नाक में काहे की भीड़ होती है, हाँ मतलब समझ रहे हो, नाक जाम हो जाना, इन कॉमन कोल्ड एंड एलर्जिक रिस्पॉन्स इन द पॉलन, समझ रहे हो, कॉमन कोल्ड एलर्जिक, छींक जुखाम शुरू हो जाती ना, तो इसी इसका मतलब क्या क्या होगा, हिस्टामाइन, हिस्टामाइन में क्या, पहली बात तुम्हें ब्लड प्रेशर तुम्हारा शांत बिल्कुल सुस्त हो जाता है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो, जिसको ब्लड प्रेशर हाई होता है वो सुस्त नहीं रहता फिर, और उसे मन होता है कि लड़ी डाले किसी से, ब्लड प्रेशर हाई है ना, अब ब्लड प्रेशर लो हो गया सुस्त हो जाता है आदमी, यानी वासो क्या हो गया, डायलेट हो गई वेसल, क्या डायलेट हो गई, और क्या हो जाएगा देखो, और क्या कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा क्या, स्मूथ मसल इन ब्रोंकाई, इसीलिए यहां पर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। अब सुनना, कभी कभी जुखाम में सांस लेने में दिक्कत होती है, उसका कारण क्या है, अब तुम सोचो यहां मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट कर गई है तो स्पेस क्या हो गया, कम, इसलिए फिर सांस लेने में दिक्कत होगी, फिर कफ भरेगा, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है, कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, ब्रोंकाई में, समझ रहे हो, और फिर दूसरा क्या तुम्हारे पास, गट में, तो कॉन्ट्रैक्शन यहां हुआ, डायलेशन ब्लड वेसल में हुआ, और फिर क्या हो गया, नाक में क्या हो गया, कंजेशन, समझ रहे हो, हिस्टामाइन भैया वेसल में काम कराया, ब्रोंकाई और गट में काम कराया, और कहां पर काम कराया, नाक में काम कराया, तीन तीन पाइपलाइन दिख रहे हैं क्या सबको, इसीलिए हिस्टामाइन जब तुम्हारे शरीर में जुखाम में बढ़ जाता है तो उस समय क्या खाना चाहिए, एंटी हिस्टामाइन, एंटी हिस्टामाइन, नीट 2022 यही आया था। अब इसकी कहानी सुनो, ट्रिक से ही आएगा क्वेश्चन, देखो ट्रिक क्या सुनाया था, सुनो ध्यान से, देखो इस कहानी को कुछ ऐसा सोचो, जुखाम होगा ही रही होगी, यहां दीदी और भाई के बीच में है, लेकिन यहां पर जब जुखाम हो गई तो तुम पता है कि अगर रुमाल नहीं मिल रही तो तुम क्या करोगे, कोई कपड़ा फाड़ोगे, रुमाल बना लोगे, अच्छा तुम मान लो अगर तुम भाई हो तो तुम बहन का कपड़ा फाड़ोगे, अपना तो नहीं फाड़ोगे, नहीं, अब बहन हो तो, अब वही फिर लड़ाई होगी फिर उसी में, समझ रहे हो ना, तो पहली बात देखो जुखाम यानी कि हिस्टामाइन से जोड़ के चलना, अब तुम एंटी हिस्टामाइन इसका मतलब दवा रट रहे हो, है ना, तो देखो जो भाई को हमने, अब देखो आजकल भाई को भाई नहीं बोला जाता, ब्रो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ब्रो, हाँ सब शॉर्ट होता चला जा रहा है, हाँ चलो आ जाओ, तो देखो एंटी हिस्टामाइन को देखो ब्रो से क्या निकल के आए, ब्रोम फेनरामाइन, यही आया था नीट पे, समझ रहे हो, क्या बताओगे, ब्रोम फेनरामाइन, और अब इसको दीदी, दीदी कौन हो गई, डाइमेटाइप, क्या बोलेंगे, डाइमेटाइप या डाइमिटेन, सहमत में आया, तो दीदी और किसकी कहानी है, ब्रो, दी, अब देखो आजकल दीदी को भी बोला जाता शॉर्ट में दी, हाँ बस बोला शॉर्ट एकदम होता चला जा रहा है, हाँ तुम और बता लो एक आध, ब्रो और दी, क्या बताओगे, ब्रो और दी, ब्रो का मतलब क्या हो गया, ब्रोम फेनरामाइन, क्या बोलोगे, ब्रोम फेनरामाइन और डायमी टाइप या डायमिटेम, याद हो रहा है ना, ब्रो और दी दोनों को एक ही नाम है, फिर आके सुनना, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अब लड़ाई हुई है तब फाड़ दिया तो इसका मतलब क्या करेगा, सिलेगा भी है ना, टर्फेना डाइन और क्या बोलेंगे, सिल दें, समझ रहे हो, अब देखो, अब अगर तुम सोचो तेरा फटेगा है ना, टर्फेना डाइन तो क्या करना पड़ेगा, सिलना, सिल दें, तो इसको टर्फेना डाइन और क्या बोलोगे, सिल दें, तो भैया दो चीजें याद करोगे, क्या बोलोगे, ब्रो से दी, ब्रो का मतलब ब्रोम फेनरामाइन, दी मतलब डाइमिटेम या डाइमिटाइप, फिर क्या है,
टेरफेनाडाइन और दूसरा क्या नाम होगा, सिल्डेन, अपना तुम याद कर लेना। देखो हमारा काम है कुछ दूर तक तुम्हें पहुंचा देना, बाकी अब उसको तुम बनाए रखो। भैया जुखाम खत्म क्यों, अब आ जाओ दूसरे नंबर पे, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग में क्या लिखा है, देखो जिनको इसकी बीमारी होती है उनको दिया जाता है ट्रैंक्विलाइजर या एनाल्जेसिक। नहीं, इनमें दो चीजें, न्यूरोलॉजिकल एक्चुअली देखो तुम्हारे ब्रेन अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो भी न्यूरल प्रॉब्लम है, समझ रहे हो ना। तो कुल मिला के इसीलिए न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग में वो भी आती है जो कौन सी है, एनाल्जेसिक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में दो चीज, ट्रैंक्विलाइजर और क्या लिखा है, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है, पेन रिलीव, जो पेन दर्द को कम करने वाला। उसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर क्या होती है, ज्यादातर स्ट्रेस और मेंटल डिजीज के लिए होती है, समझ रहे हो। क्या लिखा है, फॉर स्ट्रेस एंड मेंटल डिजीज, फॉर स्ट्रेस एंड मेंटल डिजीज, स्ट्रेस और मेंटल डिजीज के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अब देखो मेंटल में क्या क्या दिक्कत हो सकती है, फॉर डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन में जाने पर, हमने हिंदी में इसलिए लिखा है, तुम भरोसा इस बात पे कर लो कि डिप्रेशन में जाने के लिए दवा खाना है तो इसलिए हिंदी में लिखा है। देखो क्या लिखा है, डिप्रेशन में जाने पर देना है, सुनो अगर चले गए तो खाओ। हाँ हाँ, तुम सोचो तुम्हें डिप्रेशन नहीं है, लो हम दे रहे हैं तुम्हें, हो जाएगा। अच्छा देखो, अच्छा तुम ये बताओ कभी कोई डिप्रेशन में जाना चाहेगा क्या, बिल्कुल जाना नहीं चाहेगा। और इसीलिए उसमें देखो कुछ फीलिंग इसी बात की है कि भैया हम देखो क्या लिखा है, आई मतलब मैं प्रभु नहीं जाऊंगा, आई प्रो ना जाइट, आई प्रो ना जाइट, आई मतलब मैं प्रभु नहीं जाऊंगा, किसमें, डिप्रेशन में, आई प्रो ने जाइट, समझ रहे हो। तो अपना तुम ऐसे याद रखना, किसमें नहीं जाओगे, डिप्रेशन में, समझ रहे हो। फिर सुनो प्रभु की तरफ से आता है, देखो क्या लिखा है, फिर जाना है ना, तो कहेगा क्या, ना फिर नहीं जाएंगे, ना नार्डिल, नहीं समझ में आया। अच्छा डिप्रेशन में ऐसा सोचो कि डिप्रेशन में जो गया होगा वही कहेगा भैया अब आई मतलब मैं प्रभु नहीं जाऊंगा, तो ऊपर से उधर से प्रभु का क्या आएगा, फिर जाओगे, समझो, फिर तुम क्या बोलोगे, ना नहीं जाना। ये पूरा वार्तालाप समझ लेना, नहीं समझ लो और क्या, ये अगर नहीं समझे तो फिर तुम भटकते रह जाओगे, हम कुछ नहीं कर सकते। तो देखो क्या लिखा है, आई प्रभु ना जाइड, आई प्रो ना जाइड, सही ना। फिर क्या बोलेगा, उधर से क्या आएगा, फिर जाओगे, तुम क्या बोलोगे, ना, क्लियर हो गई बात, चलो वेरी गुड, फिर जाओगे फिनाइल जीन। अच्छा सुनो, जरूरी नहीं स्पेलिंग से पूरा अच्छे से याद करके जाओ, वो ऑप्शन जब इसके आते हैं तो बड़ी टेंशन फ्री होकर ऑप्शन आती है, हमेशा बोलते भी रहते हैं कि ब्रो से तुम्हारा काम हो जाएगा, बस तुम्हें पता होना चाहिए ब्रो वाली बात किसके लिए, एंटी हिस्टामाइन के लिए। अब ब्रो से दूसरा नहीं बना देगा दवा, ये हो गया भैया किसके लिए, डिप्रेशन के लिए। अब देखो क्लोरडाइजीपॉक्साइड और मेप्रोवामेट ये माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर होते हैं, बहुत थोड़ा बहुत, शुरुआत इसी से होती है, जब कोई आता है कि बहुत दिक्कत है हमको और ऐसा वैसा फीलिंग आती है, ये सब अकेलेपन का कारण होता है, डिप्रेशन मतलब होता है अकेलापन, पहले शुरुआत यहीं से होती है। आ जाओ भैया, तो शुरू जो शुरुआत हो अगर इसको, तो कौन सी दवा लिखोगे, क्लोरडाइजीपॉक्साइड और मेप्रोवामेट। देखो एक दवा इक्विनल के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है, इसमें किसी को अगर डिप्रेशन है, हाइपरटेंशन है, भैया ये बड़ी खतरनाक चीज होती है, तुम डिप्रेशन में हो, मजा नहीं है, डिप्रेशन का मतलब होता है तुम्हें अब अच्छा नहीं लग रहा कुछ, तुम उसे कपिल शर्मा का शो दिखा दो कोई मजा नहीं आएगा, उसे कुछ भी खिला दो कोई मजा नहीं, उसे नॉर्मल रहना है बस, शादी में उसको स्टेज पे बैठा दो, दूल्हे की जगह कुछ देर बैठा दो, तब भी उसको मजा नहीं आएगा, समझो। तो इसको बोलते ये किसमें है, डिप्रेशन में है, सुनना, हाँ कुछ देर के लिए उसको मतलब समझो, चलो आ जाओ, इसको बोलते क्या, डिप्रेशन। अब लेकिन बैठाते समय कि चलो आओ तुम्हें ये खिलाते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है, हम नहीं जाएंगे, अगर वो समझ लो अगर उस हाथ तुम्हारा झटक दे और हटा दे, तो इसका मतलब क्या है, हाइपरटेंशन पे,
हाइपर टेंशन, समझ पाए, यानी कि वो बात को हर चीज को नकारे, तू हाइपर टेंशन पे है, और अगर वो करे तो, लेकिन उसको कह दे यार हमें कुछ मजा नहीं आया, वो हर चीज में निगेटिव ढूंढे, तो इसका मतलब किस में है, डिप्रेशन पे, समझ रहे हो। तो इस तरीके से अब तुम दोनों को नील करना चाह रहे हो, खत्म करना चाह रहे हो, तो एक ही है जो एक में सबको, यानी दोनों को नील कर देगी, नाम पड़ा इक्विनल, हाइपर टेंशन प्लस डिप्रेशन, हाइपर टेंशन प्लस डिप्रेशन, एक में नील। चलो अब देखो सुनो, एक बात और होती है, कभी कभी देखो तुम लोग अगर देखते हो कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनमें समस्याएं कई होती हैं, तो उनको कहते हैं हमें नींद नहीं आती, दर्द के मारे ऐसा वैसा, तो एक साथ में सोने वाली नींद, नींद वाली दवा जरूर चला देते हैं, हो सकता है सोओगे तो, हो सकता है उठोगे तो कम से कम सही फील करोगे, नींद नहीं आई तो और समस्या होती, तो नींद पूरी करना जरूरी, मेंटल वर्क हमारा अगर हो रहा है उसमें नींद पूरी नहीं हो तो समस्या हो जाती है, 6 घंटे की नींद पूरी करो, पढ़ने के समय ये भी ध्यान रखना होता है, 6 से 7 घंटे सो, लेकिन उस टुकड़े में सो, है ना, अब एक साथ नहीं सोना चाहिए, कभी कभी मतलब दोपहर के आधा घंटा 20 मिनट का पावर नैप लेने की कोशिश करो, अपने आप को खुश रखो, जितना खुश होगे तुम उतने अच्छे एफिशिएंसी से काम करोगे। तो इसलिए क्या करते हैं, जो दिक्कत वाला मरीज होता है उसको क्या कर देते हैं कि भैया तुम नींद की दवा ले लो, तो नींद की दवा ले लोगे तो सोओगे अच्छा, तो तुम्हारा हो सकता है मेंटल इलनेस क्या हो जाए, खत्म हो जाए, सही है ना। तो आ जाओ, तो देखो क्या लिखा है, बारब्यूटरेट्स, ध्यान देना इस पे, बारब्यूटरेट्स डेरिवेटिव ऑफ बारब्यूटरिक एसिड, ये ठीक है, कोई बात नहीं, आर हिप्नोटिक, यानी कि क्या होता है, स्लीप प्रोड्यूसिंग, क्या होता है, स्लीप प्रोड्यूसिंग। अब इसके अलावा, अब जो ड्रग और नीचे वंसल करके हमने लिखा है, वो ड्रग ऐसी है जो किसकी तरह काम करेगी, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग की तरह, और भी बोल सकते हो, जैसे वी का मतलब क्या बोलोगे, वीरोनल, ए का मतलब क्या बोलोगे, एमाइटल, एन का मतलब निम्बुटल, एस का मतलब सीकोनल, एल का मतलब ल्यूमिनल, सब में नल है, और नल है तो इसका मतलब क्या है बोलो, ये तुम्हें क्या करेगा, ट्रैंक्विलाइजर की तरह काम कराएगा, ठीक है ना। तो वंसल तुमको याद रखना है। अब देखो यहां पर तीसरी मेडिसिन है जो तुमको ट्रैंक्विलाइजर की तरह यूज करना है, कौन कौन सी है, वैलियम और सीरोटोनिन, ये भी ट्रैंक्विलाइजर की तरह काम करेंगी, और ये सोने वाली करके लिखा है, सोने का मतलब क्या हो गया, सीरोटोनिन, और क्या वाली का मतलब वैलियम, ये ट्रैंक्विलाइजर। अब हम तुम्हें सीरोटोनिन की कहानी सुनाएं, सीरोटोनिन क्या होता है तुम्हारे बताओ, कहां पर, ब्लड प्रेशर को थोड़ा बढ़ाने के काम करता है, और कहां से निकलता है सीरोटोनिन, बेसोफिल से। देखो ये सीरोटोनिन ऐसा एक हार्मोन है, केमिकल है, जो तुमको खुश रखता है। ये तुमने क्या क्या पढ़ लिया, सीरोटोनिन के साथ क्या बोल दिया, वैलियम, तो सीरोटोनिन वैलियम। अब इनको एक साथ देखो करते हैं, एग्जाम के दिन आंसर देने के लिए क्या करना है, एक दवा याद करनी है जो तुमको हाइपरटेंशन और किस में देनी है, डिप्रेशन में, वो कौन है, केवल एक, इक्विनल, क्या बताओगे, इक्विनल। बाकी एक और ड्रग है जिसको अलग से सेपरेट याद करना, जो नींद के लिए दी जाएगी, बारब्यूटरेट्स, देखो मिला क्या, देखो पढ़ लो सब लोग, आर हिप्नोटिक एनी सीड प्रोड्यूसिंग, ये भी डिप्रेशन को कम करेगी, नींद पूरी आती कि नहीं आती इसका होता है। बाकी अब जितनी दवाएं तुम्हें मिली हैं वो सारी की सारी दवाएं क्या हैं बताओ, ट्रैंक्विलाइजर, क्या है, ट्रैंक्विलाइजर। अब एग्जाम में पूछा जाएगा इनमें से कौन सी ट्रैंक्विलाइजर है, तो एक तो वंसल वाली हमने ट्रिक बताई जिसमें नल लगा हो, ट्रैंक्विलाइजर है, सोने वाली यानी सोने का मतलब सीरोटोनिन, वाली मतलब क्या है, वैलियम, ठीक है ना, ये क्या है, ट्रैंक्विलाइजर है। ऊपर हमने ट्रैंक्विलाइजर के बारे में किसको बताया, सबसे पहला क्या बताया था, हाँ हाँ ना, सबसे बढ़िया ट्रैंक्विलाइजर आई प्रभु ना जाए फिर जाओगे ना, नॉर्डिल, याद आ रहा है ना। तो सबसे पहले तो इसको डिप्रेशन में याद करना, इक्विनल हो गया दोनों जो खत्म होगा, फिर वंसल याद करना है, और फिर नींद के लिए कहा है बारब्यूटरेट्स या बारब्यूटेरिक एसिड, और फिर लास्ट में किसको याद करोगे बोलो, सोने वाली सीरोटोनिन वैलियम। बात समझ में आई, तो इस तरीके से तुम्हारे पास ये हो गया। अब आ जाओ बी नंबर पे, अगले पेज में आ जाओ, एनाल्जेसिक यानी कि रिड्यूस करेगा पेन, और नींद भी ले लो, आ जाओ एनाल्जेसिक, अरे इसको कंप्लीट कर लेते हैं अब,
हाँ खत्म करो। एनाल्जेसिक मतलब क्या होता है, जो पेन को क्या करे, कम करे। अब देखो कभी कभी नींद वाली दवाएं आदत वाली होती हैं, इसलिए कभी भी क्या होता है नींद की दवा लेने जाओ तो कहते भाई ये पर्चा कहाँ है, ऐसे दवा नहीं देते कि पता नहीं ये आदमी जाके नशा करता हो सो के, समझ रहे ना। हाँ ऐसी चीजें होती हैं, तो इसलिए दो तरह के होते हैं, नॉन नार्कोटिक यानी नॉन एडिक्टिव, यानी इनका क्या होता है एडिक्शन नहीं, आदत नहीं लगती, लत नहीं लगती। जबकि नार्कोटिक देखो जो अगला वाला नार्कोटिक लिखा उसका आर गायब है, तुम बना लो। हाँ नार्कोटिक है वो, और नार्कोटिक जो होती क्या होती है एडिक्टिव होती है, इसलिए नार्कोटिक्स अलग डिपार्टमेंट बनाया जाता है कि भैया इस तरह के ड्रग वगैरह जो यूज करते हैं उनको पकड़ते रहते हैं। आ जाओ नॉन नार्कोटिक नॉन एडिक्टिव में पहला क्या है, एस्प्रिन। एस्प्रिन तुम बना भी चुके हो, क्यों, हार्ट अटैक से बचाता है और क्या करता है एंटी ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट को रोकता है, क्योंकि हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग, उसको रोक देता है, खून को पतला करना बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है पैरासीटामॉल, ये तुम्हें पता है। और ये जो पेन को कम करने वाले होते हैं पैरासीटामॉल एस्प्रिन, ये बुखार यानी फीवर को भी कम कर देते हैं, इसलिए इनका एक नाम काम और होता है क्या एंटीपायरेटिक रिड्यूस फीवर। पायरोमीटर क्या होता है, टेम्परेचर को कम करने, पायरो मतलब हमेशा क्या होता है पायरेक्स, इसलिए बना के ग्लास, पायरेक्स ग्लास याद है ना, हाँ जो हीट रेजिस्टेंट ग्लास होता है, तो पायरो जो टर्म होता है वो हीट के लिए होता है। आ जाओ नार्कोटिक में क्या, मॉर्फिन, ओपिएट्स इसको बोलते हैं, मॉर्फिन आदत पड़ जाती है, हाँ हाँ दोनों। अब आगे क्या लिखा है, देखो मॉर्फिन तो है ही है ये, लेकिन मॉर्फिन की एक अच्छी आदत ये होती है बहुत ज्यादा अगर पेन है तो मॉर्फिन काम करती है, मतलब हाई जहां पर ये पैरासिटामॉल काम नहीं करता वहां पर कौन आता है मॉर्फिन, लेकिन आदत इसकी लग जाती है ये खराब होता है। तो देखो क्या लिखा, रिलीव पेन फॉर कार्डियक अल्सर कैंसर कुछ भी चाइल्ड बर्थ है ना, और इससे नींद भी आ जाती है, तो आल्सो प्रोड्यूस स्लीप, समझ लो खतरनाक तरह के दर्द को कम करने का काम करता है नार्कोटिक्स यानी कि मॉर्फिन या ओपिएट्स। ओपियम पॉपी से मिलता है क्या, ओपियम पॉपी प्लांट होता है उसी से मिलता है, इसे ओपिएट्स बोलते हैं, बायो वालों को पता है सब इसके बारे में, क्यों। आ जाओ अब क्या पढ़ते हैं नीचे, एंटी माइक्रोबियल्स, उसमें पहला एंटीबायोटिक पढ़ेंगे, दूसरे साइड में देखो क्या लिखा है एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट, पहले एंटीसेप्टिक पढ़ेंगे। देखो एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट में अंतर क्या होता है, तुम एक प्रचार देखते होगे एंटीसेप्टिक क्रीम, कौन सी क्रीम, बोरोलिन बोरो प्लस और वीको टर्मरिक भी है एंटीसेप्टिक, हल्दी है तो होगी, आ जाओ कहने का मतलब है कि एंटीसेप्टिक, सुनो ध्यान से, एंटीसेप्टिक कहां लगाई जाती है स्किन पे ऊपर, और डिसइंफेक्टेंट कहां लगाया जाता है फर्श को धोने में, समझ रहे हो ना, नॉन लिविंग में डिसइंफेक्टेंट उसको बोलते हैं, अपने में लगा लेना। हाँ तो अब दीवार में पता लगा फर्श में जाके एंटीसेप्टिक लगा रहे हो, अपने चेहरे में डिसइंफेक्टेंट लगा रहे हो, उल्टा मत कर देना। तो वो नीचे लिखा है एंटीसेप्टिक से एरो लगा के लिखा अप्लाई टू द लिविंग टिश्यू सच एज वुंड कट एंड अल्सर, कहते नहीं कोई घाव लग जाता है एंटीबायोटिक कोई वो एंटीसेप्टिक लगा लो, बोरोलिन लगा लो, बोरो प्लस लगा लो, ऐसा बोलते हैं ना। और अब उसमें एग्जांपल देखो क्या है, फ्यूरासीन और सुप्रामाइसिन, क्या बोलोगे, हाँ फ्यूरासीन और क्या लोगे सुप्रामाइसिन, दूसरे नंबर पे कौन है डिटॉल, और डिटॉल में मिक्सचर भैया याद कर लो क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल, 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 डिटॉल याद हो रहा है ना, क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल, क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल, ये किसका किसको बनाता है डिटॉल को, बीथियोनल यूज फॉर सोप, नहाने वाली साबुन होती है बाथ वाली बाथिंग सोप, तो बाथिंग सोप से क्या निकाल के लाओ बीथियोनल, बाथिंग सोप से क्या निकाल के आओगे बीथियोनल। अब सुनना टिंचर ऑफ आयोडीन, तुमने कभी देखा हो पट्टी उट्टी लगा के जब कोई आता तो बीच में एक ब्राउन कलर का स्पॉट आता है, तो वो टिंचर ऑफ आयोडीन का होता है, उसी से फीलिंग आती है तुम्हें घाव लगा है ठीक ठाक ना। हाँ तो टिंचर ऑफ आयोडीन में देखो आयोडीन के अलावा साथ में 203% एल्कोहल सोल्यूशन होता है,
दोनों को मिला करके लगा दे, टिंचर ऑफ आयोडीन बोला जाता है। नहीं, और तुम लोग अक्सर उसको खरीद के किस रूप में लाते हो? बीटाडीन के रूप में। किसके रूप में लेके आते हो? बीटाडीन के रूप में। अब आ जाओ बोरिक एसिड, है ना। बोरिक एसिड जो एंटीसेप्टिक किसके लिए होता है? आई के लिए। बोरिक एसिड नहीं, बोर तो ये इस तरह बोरिक एसिड याद रखना आई के लिए। अब देखो यहां पर फिनॉल के बारे में दो चीज लिखी गई है। अगर 0.2% फिनॉल यूज करते हो तो एंटीसेप्टिक होगा, यानी कि तुम स्किन में लगा सकते हो। लेकिन कंसंट्रेशन 0.2 से कितने परसेंट बढ़ा दो? 1%, तो भैया के फर्श साफ करने में, यानी डिसइंफेक्टेंट के रूप में होगा। तो फिनॉल किसकी तरह काम करता है? डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक दोनों की तरफ। लेकिन 0.2% एंटीसेप्टिक, 1% डिसइंफेक्टेंट। देख लो रटो, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 0.2% क्या होगा? एंटीसेप्टिक। 1% क्या होगा? डिसइंफेक्टेंट। और नीचे एक और है, Cl2 और SO2 डिसइंफेक्टेंट के रूप में हो गए। और Cl2 की कंसंट्रेशन कितनी लिखी? 0.2 से 0.4 ppm। याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है? अब आ जाओ वापस डिसइंफेक्टेंट के, नहीं वहीं पे रहो। डिसइंफेक्टेंट में अगर हम बात करते हैं तो कौन सी चीजें आई? Cl2 और SO2, Cl2 और SO2, Cl2 और SO2, 0.2 से 0.4 ppm की PPB। ऊपर आ जाओ, फिनॉल दोनों की तरह काम करेगा और इसके ऊपर के सारे क्या हैं? एंटीसेप्टिक। फिनॉल की पॉइंट कितने परसेंट है बताओ? 0.2% 1%। 0.2% क्या है? एंटीसेप्टिक। 1% क्या है? अब ऊपर आ जाओ, हमने बताया और क्या बताया था एंटीसेप्टिक में? और कौन कौन सी चीजें? अगर आंखों में लगाना है तो बोरिक एसिड, फिर इसके बाद बाथ सोप पे लगाना तो बिथियोनल, बाथ सोप पे लगाना तो बिथियोनल। टिंचर आयोडीन में कितने परसेंट एल्कोहल होता है? और साथ में आयोडीन होता है। और इसके ऊपर बताओ, क्लोरो जाइलिनॉल और टर्पिनॉल। फिर से बोलो क्लोरो जाइलिनॉल और टर्पिनॉल, क्लोरो जाइलिनॉल और टर्पिनॉल। फिर इसके बाद और क्या दिया गया है? डिटॉल, फ्यूरासिन और सुप्रामाइसिन। यही ज्यादातर पाउडर हुआ करता है जो लगा देते हैं लोग, अक्सर नहीं पाउडर लगा के पट्टी बांध देते हैं, तो यही हुआ करता है। सुप्रामाइसिन और क्या बोलो? सुप्रामाइसिन और फ्यूरासिन, सुप्रामाइसिन और सुप्रा अपने आप बोलो, आपसे दोबारा निकल, दूसरा वाला निकल के आ रहा है। सुप्रा प्यूरा। ये इस साल के क्वेश्चन है 2023 के लिए, मान के चलो लिख लो इसको, एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेड में 2023 लिख लो। ठीक है, आ जाओ तीसरे नंबर, एंटी माइक्रोबियल्स में पहले नंबर ए नंबर पे एंटीबायोटिक है। अब किसको मारना है? बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक का यूज करना है। पहला पॉइंट क्या है? एंटीबायोटिक प्रोड्यूस बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई, बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स। एंटीबायोटिक, इसी को हमने प्रो लाइफ अंगेस्ट लाइफ पढ़ा था, याद है क्या? तो भाई ये एंटीबायोटिक तीन चीजों से निकाल सकते हो, कहां कहां से बताओ? और आगे क्या लिखा? एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द अदर माइक्रोजन, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारना, एंटी। फिर आगे नीचे क्या लिखा है? फर्स्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस, सबसे पहला जो ट्रीटमेंट दिया गया था सिफिलिस के लिए वो किसके द्वारा दी गए? पी पाउल एरलिच। तुम्हें केवल एरलिच बोलना है, पी एरलिच। क्या बोलोगे? पी एरलिच। बोल पाओगे ना? बोलो। किसके लिए दिया था? सिफिलिस के लिए। किसके लिए? सिफिलिस। और आगे लिखा है इसमें आर्सेनिक कंपाउंड होता है, आगे लिखा ए आर्सेनिक कंपाउंड साल्वर्सम बट इट इज ए टॉक्सिक टू ह्यूमन। ये इसमें जो सिफिलिस में दिया गया था वो एक आर्सेनिक कंपाउंड था, नाम था साल्वर्सन। क्या था? साल्वर्सन। साल्वर्सन सिफिलिस, और क्या बोलोगे? आर्सेनिक, और क्या? पाउल एरलिच। जोड़ो पहले इनको सबको। क्या बोलोगे फिर से? सिफिलिस के लिए किसने ट्रीटमेंट सबसे पहले किया था? पाउल एरलिच, पी एरलिच। फिर इसके बाद आर्सेनिक कंपाउंड था, क्या आर्सेनिक कंपाउंड कौन सा था? साल्वर्सन। ठीक है, लेकिन ये टॉक्सिक था तो इसलिए क्या किया गया? दूसरा बनाया गया। फर्स्ट क्या? पी एरलिच आल्सो प्रिपेयर फर्स्ट एंटीबैक्टीरियल एजेंट। क्या लिखा है? प्रोंटोसिल। ये बिल्कुल किसके जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर था? साल्वर्सन के जैसे। और इसमें एक एजो ग्रुप पाया जाता था।
तो पूछा जाएगा एजो ग्रुप किसमें प्रेजेंट होगा, तो बता देना किसमें, साल्वर्सन। किसे बताओगे, साल्वर्सन। प्रोंटोसिल में है ना, प्रोंटोसिल में जो साल्वर्सन जैसा था और उसमें एजो ग्रुप पाया जाता था। तो पहले साल्वर्सन बनाया, बाद में क्या बनाया, प्रोंटोसिल बनाया। पहले साल्वर्सन फिर बाद में प्रोंटोसिल। साल्वर्सन क्या था, नुकसान करने वाला था। साल्वर्सन क्या था, नुकसान करने वाला था, इसलिए क्या बनाया गया, प्रोंटोसिल। प्रोंटोसिल और इसमें कौन सा ग्रुप पाया जाता था, एजो ग्रुप। और ये किसके डिजीज के लिए था, सिफिलिस के लिए था। किसके लिए था, सिफिलिस के लिए। किसने बनाया था, एहरलिच ने। क्या बनाया था, किसने बनाया था, एहरलिच ने। आर्सेनिक कंपाउंड इसमें पाया जाता था, क्या पाया जाता, आर्सेनिक। नोट करके पॉइंट पढ़ते हैं। इट इज फाउंड दैट प्रोंटोसिल इज कन्वर्टेड इनटू बॉडी एज सुप्रा, क्या लिखा है, सल्फानिलेमाइड। क्या बोलेंगे, सल्फानिलामाइड, दैट इज रियल एक्टिव कंपाउंड। यानी कि प्रोंटोसिल में अगर एक्टिव पार्ट पूछा जाए एग्जाम के दिन तो क्या बोलोगे, सल्फेनिलामाइड। क्या बोलेंगे, सल्फेनिलामाइड, ये एक्टिव कंपाउंड है। तो इसको याद रखना, यानी कि अब तुम समझना, पहले बना क्या, साल्वर्सन। साल्वर्सन से और बेटर कौन हुआ, प्रोंटोसिल। प्रोंटोसिल किस रूप में अपने एक्टिव कंपाउंड को भेजता है, सल्फेनिलामाइड। क्या बोलो, बोलो ऑर्डर याद रखना, पहले क्या बोलोगे, साल्वर्सन, आर्सेनिक कंपाउंड, फिर इसके बाद प्रोंटोसिल, एक्टिव कंपाउंड सल्फेनिलामाइड। चलो ये भी याद हो गया। नीचे आ जाओ, अब आ जाओ, पेनिसिलिन जो बनाने वाला काम शुरू हुआ था, फ्लोरी और एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1945 में पेनिसिलिन बना दी, याद है ना। चलो अब देखो, एंटीबायोटिक दो तरीके से, एंटीबायोटिक के दो नाम है, दो तरीके से काम करते हैं, या तो ग्रोथ रोक देगा तो मार देगा। तो पहला क्या लिखा है, बैक्टीरियोसाइडल। साइडल मतलब क्या होता है, जैसे सुसाइड, सुसाइड मतलब अपने आप साइड, स्वयं अपने आप, नहीं। बैक्टीरियाइडल यानी कि बैक्टीरिया को क्या करे, मारना, तो किल द बैक्टीरिया। अब बैक्टीरियो स्टैटिक, स्टैटिक मतलब क्या होता, रोकना, स्टैटिक्स है ना, मैथ में पहले पढ़ते थे स्टैटिक्स, डायनामिक्स। स्टैटिक्स का मतलब क्या हो गया, रोकना। लिखा है इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स। अभी ठंडी लग जा रही क्या, सो जाओ, क्या दिक्कत है, नींद आ रही है। और किसको नींद आ रही तो बताओ, जिसका पढ़ने मन नहीं लग रहा हो उसी की नींद आ रही होगी। कुत्तो ऐसे ऐसे भी मूवी देखते थे सो जाते है ना, कौन है इसमें से ऐसा, हाँ तो कौन से, तो पढ़ते पढ़ते सो जाती हो तो क्या दिक्कत है। हाँ ठीक है, पढ़ते पढ़ते तो नहीं सोते हो, हाँ पढ़ते पढ़ते सोते हो, जब पढ़ाते पढ़ाते मैं सो जाते हो, वो भी हम ज्यादातर क्या होता है बीच में एक्टिव रखते हैं, ऐसा नहीं हो कि नींद सही सही आ जाए, हम इसको सीरियस लेके चल भी नहीं रहे, सीरियस ले लो तो मैं नींद आ जाए, सब पता लगा सारे क्लास सब कोई सो रहा है, तो मोबाइल जग रहा है रिकॉर्डिंग करने के लिए बस, हाँ बाकी सब सो रहे हैं। चलो आ जाओ जल्दी से। देखो बैक्टीरिया को मारने के लिए देखो तीन है, पेनिसिलिन, क्या लिखा है, ओफ्लॉक्सासिन, और क्या लिखा है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अब यहां पर बड़ी हिंदी में कहानी कुछ लिखी गई है, समझ में नहीं आ रहा होगा, सुनो। देखो मारने के लिए क्या है, ऐसा मारेंगे पानी भी नसीब नहीं होगा, सुना है क्या ऐसी बात, तो इसीलिए पानी का मतलब क्या हो गया, पेनिसिलिन, समझ पा रहे हो। अरे यार हम कौन सी एंटीबायोटिक पढ़ने वाले हैं, हाँ बैक्टीरियोसाइडल, जो बैक्टीरियो को मारने वाली, तो मारने वाले को कैसे पकड़ोगे, नहीं समझ रहे हो, हाँ जगह रहना, पानी नहीं कहते, ऐसा मारेंगे कि क्या पानी भी नसीब नहीं होगा, तो पानी मतलब क्या हो गया, पेनिसिलिन, फील करो, नहीं। और कहते नहीं कि उफ की आवाज सुना है कभी, हाँ जैसे क्या होता, कोई आदमी तुम्हारी गर्दन काटी जाए भी, तो समझ रहे हो कौन सी आवाज निकलेगी,
उफ, अरे तुम उफ निकालो, बाकी कोई आवाज नहीं निकालो जिससे हमारा ओ फ्राक्सा सीन निकल आए। हाँ, कुछ ऐसे मानसिक बीमारी सब लिए घूम रहे हैं। ओ फ्राक्सा सीन उफ, क्या बोलोगे कब, जब क्या करोगे? हाँ बस, और सुनो, जब किसी को मारो तो क्या होता, मम्मी याद आ जाती है, अम्मी याद आ जाती है। कभी बच्चों ने चिल्लाया नहीं जब मार पड़ती तो पापा मारते थे, मम्मी के नाम पे आवाज आती है, नहीं समझ रहे हो? हाँ, अब कुछ और बताएंगे, हमें मौसी की याद आती है, अम्मी। हाँ, क्योंकि हर जगह तुम निगेटिव घूम रहे हो, तो आ जाओ तो क्या बोलोगे? अम्मी का मतलब क्या निकल के है? अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। क्या बोलोगे? अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। तो देखो, जब मारोगे तो पानी वाली बात याद रखोगे, पानी भी नसीब नहीं होगा, उप की आवाज आएगी और अम्मी याद आएगी। नहीं समझ में आया? अम्मी मतलब अमाइनो ग्लाइकोसाइड, उप की आवाज ओ फ्लॉक्सासिन, और क्या हो, पानी नसीब नहीं होगा मतलब पेनिसिलिन। तीन है क्या? बैक्टीरियोसाइडल मारने वाली। क्लियर हो गया? अब बाकी जो बची हैं वो क्या निकल के आएंगी? स्टैटिक, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2-3 साल पहले, है ना, आ चुका है सब। अब आ जाओ, स्टैटिक मतलब क्या था? ग्रोथ को रोकना। अब देखो इसमें क्या है, इरेथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल। टेंशन ही नहीं है, तुम जितना भी जो भी बोलो, कॉल पाल जो भी बोलो, सब इसी में है। तीन कल तुम्हें अपने लेवल पे याद करना है, बैक्टीरियोसाइडल तीन, पानी, पेनिसिलिन, उप ओफ्लॉक्सासिन, और क्या बोलेंगे, अम्मी, अमाइनोग्लाइकोसाइड। वेरी गुड। अब आ जाता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम देखो, दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम निगेटिव, ग्राम पॉजिटिव। टीकोइक एसिड के कवरिंग के आधार पर पढ़ते हैं इसको, ग्राम निगेटिव, ग्राम पॉजिटिव। पर तुम्हें नहीं पढ़ना था, मेडिकल कॉलेज में पढ़ना जो जाए, और बाकी जो नहीं जा रहे हैं, मतलब इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, उन्हें क्या टेंशन है ना, वो कोल खाएंगे जरूरत पड़ने पर। और क्या, देखो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है वाइड रेंज। क्यों? तो पहले वाइड रेंज मतलब होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और क्या करेगा, किल आर इनहिबिट द बोथ ग्राम एंड ग्राम पॉजिटिव एंड निगेटिव। और किल करने वाली किल करेगी, नहीं समझ रहा बात को? अब ऐसा थोड़ी सर, ये दोनों कर रही है, आप कैसे कहना चाह रहे हैं? अभी तक तो आप दो चीज करके आए हो, एक साइडल वाली कहानी, एक अब स्टैटिक वाली कहानी। अरे जो मान लो जो क्या है, मारने वाली साइडल वाली है, तो उनमें हो सकता है कोई क्या हो, दोनों को, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों बैक्टीरिया को मार सके, इसलिए कहानी लिखी गई है। तुम ये मत सोच के पढ़ लेना कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम किल भी कर सकता है और ग्रोथ को रोक भी सकता है, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो ना? यानी कि मारने वाली एंटीबायोटिक में ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव हो सकता है, और जो स्टैटिक वाली है, ग्रोथ को रोकने वाली है, उनमें भी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव को, उनकी ग्रोथ को रोकने की क्षमता रखने वाले हो सकते हैं, ये मतलब है, समझ गए हो? चलो आगे क्या लिखा है, देखो एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, है ना, वैनकोमाइसिन और ओफ्लॉक्सासिन, और इसी की ट्रिक तुमने लिखी थी, पढ़ो ट्रिक क्या है। हाँ, क्या बोलोगे? आज तेरा एसी वाकई आफत से चला। आज मतलब एजिथ्रोमाइसिन सबसे कॉमन, तुम्हारे घर में अगर एंटीबायोटिक 100 आई होंगी तो 60-70 इसी की आई होंगी, एजिथ्रोमाइसिन, समझ रहे हो? क्यों, डॉक्टर को भी टेंशन, क्या मतलब है कि पता नहीं कौन सा तुम्हारे इन्फेक्शन है, तुम ले जाओ, ऐसा ले जाओ तो ग्राम पॉजिटिव निगेटिव वाइड रेंज हो, काम भी टेंशन फ्री, तुम भी टेंशन फ्री। तो क्या लिख देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन, जीपी एजेड, एजेड एजिथ्रो, ऐसे करके तमाम आती हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं एजिथ्रोमाइसिन। आज तेरा, तेरा मतलब टेट्रासाइक्लिन, आज तेरा एसी, देखो एसी से मिलाओ, एक एसी का एक पहला क्या आया, एमपी, अब ए हो गया, और सिलीन मतलब एसी का सी हो गया, एमपी सिलीन, और दूसरा एसी का मतलब क्या है, एमॉक्सिसिलिन, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, दूसरा एसी मत जोड़ो कोई इसमें, एम्फिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, एम्फिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन। तो आज से क्या हो गया, एजिथ्रोमाइसिन, आज तेरा मतलब टेट्रासाइक्लिन, एसी मतलब एम्फिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, जोर देना ए और सी पे, है ना, जब बोलो तो हमेशा एम्फिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, सिलिन पे ज्यादा फोकस करो। आज तेरा एसी वाकई मतलब वैनकोमाइसिन, वाकई मतलब वैनकोमाइसिन, आज तेरा एसी वाकई आफत मतलब ओफ्लॉक्सासिन,
आफत मतलब ओ फ्लॉक्सासिन, चला मतलब क्लोराम्फी निकाल, क्या बोलोगे क्लोराम्फी निकाल। ये भैया टाइफाइड में, ये तो पहली बात एब्जॉर्ब बहुत अच्छे से होती है, एनसीईआरटी ने इसको लिखा है, ये अपनी तरफ से कोई भी एक दो एंटीबायोटिक हमने अलग से लिख दिया है, तुम मेडिकल कॉलेज में भी ट्रिक का यूज करके काम कर सकते हो, यानी कि सारी की सारी जो वाइड रेंज एंटीबायोटिक होती है वो सारी है इसमें, समझ रहे हो। अब वो ट्रिक बनी हुई थी पहले से, अब हम कहां से उसको हटाएं, तो ये कम से कम ये तुम्हारे पास काम चलती रहेगी, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे, क्या लास्ट में क्या बोला, आज तेरा एसी वाकई आपस से चला, चला मतलब कहे नहीं बोल रहे हो तुम, क्लोर एम्फी निकाल, समझ रहे हो, क्लोर एम्फी निकाल, सबको याद हो गया ना। टाइफाइड वगैरह सबसे पहले अगर तुम एंटीबायोटिक वाइड स्पेक्ट्रम देनी है कोई, तो कौन सी दोगे, इसी को, इजिली अब्जॉर्ब हो जाती गट पे, वेरी गुड। चलो ये भी तुम्हें याद हो गया। अब आगे क्लोरम्फी निकाल में यही लिखा है, देख लो, आगे देखो डाइसिडाजिरिन लिखा है, अगले पेज में आ चुके हो ना, डाइसिडाजिरिन। अच्छा आदमी कैंसर से मर जाता है, डाई कर जाता है, डाइसिडाजिरिन, डाई मारा मरने के लिए किसको याद करोगे, कैंसर को, यानी डाई से क्या निकल के आ रहा है, कैंसर है ना, डाइसिडाजिरिन किस में दोगे, कैंसर ट्रीटमेंट, बस तुम्हें याद करना है अपने से ना, हाँ बायोकेमिस्ट्री मेडिसिन, मेडिसिन भी पढ़ना पड़ेगा, फार्मा भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। डाइसिडाजिरिन टॉक्सिक फॉर कैंसर सेल, ठीक है ना, इसका मतलब कैंसर सेल को रोकने का काम करेगा डाई। अब एंटी फर्टिलिटी ड्रग, प्रेगनेंसी को रोकना है यानी फर्टिलाइजेशन को रोकना है, बच्चों के नंबर को कम करना है यानी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, तब भी हमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा ये तुम लोग एंटी फर्टिलिटी ड्रग है ना, हाँ तो बस हो गया, फर्टिलिटी यानी फर्टिलाइजेशन को रोकने वाली ड्रग वो छोड़ दो, जो हमने पहली लाइन बोली थी कि प्रोजेस्टेरॉन देते हैं, है ना, बस। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग का मतलब वो ड्रग जो फर्टिलाइजेशन को क्या करेगी, रोकेगी। एंटी फर्टिलिटी ड्रग को क्या बोलेंगे, जो फर्टिलाइजेशन को रोकेगी। तो आगे क्या लिखे, कंट्रोल पॉपुलेशन एंड क्या लिखे, फैमिली प्लानिंग, दीज आर जक प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन, तो ठीक करो, हमेशा कॉम्बिनेशन में देना होता है। अब देखो क्या लिखा है, आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन आर मोर पोटेंट, यानी ज्यादा प्रबल है, प्रभावी है, काम करने वाला है देन प्रोजेस्टेरॉन। सोचो नेचर का जो प्रोजेस्टेरॉन है वो कमजोर पड़ गया, जो हमने बनाया प्रोजेस्टेरॉन आर्टिफिशियल वाला। नीचे क्या लिखा है, आगे सिंथेटिक या आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन, ठीक करो, नार एथेंड्रॉन रट डालो इसको, नार एथेंड्रॉन को आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं, कब दोगे, जब फर्टिलाइजेशन को रोकना होगा, नार एथेंड्रॉन, नार एथेंड्रॉन। और अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन है अगले पॉइंट, तो उसको क्या बोलेंगे बताओ, इथाइनाइल एस्ट्राडियोल, इथाइनाइल एस्ट्राडियोल, इथाइनाइल एस्ट्राडियोल, इथाइनाइल एस्ट्राडियोल। हाँ तुम्हें से पढ़ने में आ रहा है कि नहीं, बाद ये कोई तुम शादी थोड़ी फाइनल हो रही बात है। चलो तुम बताओ, चलो तुम बताओ, सब देख के बोलो, तुम ऐसे खोल के पढ़ लो ना, चलो बताओ। नोवेस्ट्रॉन, ठीक है, याद हो गया, तुम बताओ। इसको थोड़ा सा और बैठ जाओ, इसको पढ़ के आना, है ना, कायदे से जो आवाजें नहीं निकाल पा रहा हूँ उसको सही से बोल रहा हूँ, ठीक है ना, इसको याद करके आना, थोड़ा ज्यादा सही है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नार एथेंड्रॉन और क्या बोले, इथाइनाइल एस्ट्राडियोल। आ जाओ अब जल्दी से पढ़ लेते आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। तुम लोग देखते हो गए आजकल वो मीठा भी आने लगा, अब इसका क्रेज आने वाला है ना, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट का क्रेज, क्योंकि हर घर में तो डायबिटिक पर्सन मिल रहे हैं अब,
समझ रहे हो, अब बहुत हल्की एज में डायबिटीज हो जा रही है। तो अब क्या हो रहा है, तो अब तुम रियल में जो है, जो ग्लूकोज है सुक्रोज है, वो ले नहीं सकते हो। तो तुम्हें जीभ को पता चले मीठा है, बाकी अंदर जाए ना, तो जीभ को संतुष्ट करना भी है ना, तो उसके लिए भी आर्टिफिशियल स्वीटनिंग को लेके आए। जैसे आज तुम लोग देखते हो कि नहीं, बहुत सारे हाँ ऐसे बिस्किट्स आ गए हैं जो कहते हैं नहीं आर्टिफिशियल, वो नहीं है, नॉन शुगर है ना, शुगर फ्री बिस्किट, शुगर फ्री चैनप्रास, हर चीज शुगर फ्री, समझ रहे हो। यानी शुगर अब खाया नहीं जाएगा, शुगर अब जलाया जाएगा, किसमें, पेट्रोल वगैरह में ना मिलाने वाला, पता है ना, बताया था एल्कोहल जो बना करके अब हम लोग पावर एल्कोहल बना रहे हैं, तो उधर की तरफ अब हम लोग क्या करेंगे, केवल मीठे का टेस्ट लेंगे, फीलिंग आएगी हाँ मीठा खा रहे हैं, बाकी मीठा नहीं होगा, सब आर्टिफिशियल जिंदगी जीने वाले हैं। चलो आ जाओ, अब उनमें से कई तरह के हमने ढूंढ भी लिए हैं, उनमें से चार हैं जो हमें पढ़ने हैं, उसमें से हमने एक ट्रिक लिखी हुई है, देखो क्या लिखा, ऐसे सच्चे शुक्रगुजार अली हैं। अब ये बड़ी खतरनाक है, अपनी लाइन बनाना दिमाग में, क्योंकि इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते हो। अगर इसको बना लोगे तो कई पूरे आर्डर मेंटेन हो जाएगा, याद करना आसान हो जाएगा। तो क्या बोलोगे, ऐसे सच्चे शुक्रगुजार अली, ऐसे मतलब पढ़ के देख देख के बोलना पड़ेगा, एस पार टेम, सच्चे मतलब सैकरीन, ये तुमने सुना होगा ना, जनरली सब ज्यादा यूज यही होता है, शुक्रगुजार मतलब सुक्रोलोज, अली मतलब अली टेम, ऐसे सच्चे शुक्रगुजार अली है, तो ऐसे मतलब एस्पार्टेम, ऐसे मतलब एस्पार्टेम, सच्चे मतलब सैकरीन, ऐसे सच्चे शुक्रगुजार सुक्रोलोज, शुक्रगुजार मतलब सुक्रोलोज, अली मतलब अली टेम। अब ये देखो चीनी से यानी कि शुगर कैन से कितने गुना मीठा वो लिखा हुआ है, तो देखो पहले क्या लिखा, 100, 550, 600, 2000। अब तुम उस लाइन पे फोकस करो, पहले का कितने गुना, 100 से पहुंचा कितना, 550, फिर इसके बाद नहीं, 50 का अंतर है दोनों में ना, 550, 600, ये क्या बात हुई, अरे एक ही लिखते 50 गुना ना, नहीं बा, लेकिन कोई बात नहीं, इसलिए सोचवा रहे हैं जिसे तुम्हें दिमाग बने कि 550, 600 है। उन लोग सोचने लगे होंगे हाँ सही बात है सर, कम हो जाता, कम से कम एक ही रटना पड़ता, दो ही रटना पड़ता, हम रटवाई चले नहीं, 550, 600 को तुम्हें बाद में, पास में 50 का अंतर है, ये तो पास पास है दोनों, यानी एक 100 है, बीच वाले दो बिल्कुल पास पास है, 550 और 600, आवाज बिल्कुल बिल्कुल नाम पे है, देखो क्या है सीधे 2000, नहीं समझ में आया, तो क्या वो पहुंचे, 100, 550, 600, फिर इसके बाद क्या बोलोगे, 2000, ऐसे सच्चे शुक्रगुजार अली हैं, ऐसे मतलब बोलो यार, एस पार्टेल, सच्चे मतलब ऐसे सच्चे शुक्रगुजार मतलब शुक्र, अली मतलब अली टेल, बात समझ में आए, इसको दिमाग में बना लेना, अगर आर्डर याद हो गया इस तरीके, ऐसे भी आर्डर याद हो सकता है पर तुम्हारे ऊपर है, कभी कभी हाथ पकड़ के चलाना पड़ता, तो ये ट्रिक हाथ पकड़ चलाने वाली है ना, अगर तुम अपने आप याद कर लोगे तो अली टेम लास्ट में है, बीच में तुम्हारे पास क्या है, पहले सबसे शुरू क्या है, एस्पार्ट टेम, फिर दूसरा क्या है, सैकरीन, तीसरे नंबर पे क्या है, सुक्रोलोज, फिर से पहले नंबर पे क्या है, एस्पार्ट टेम, फिर इसके बाद सैकरीन, फिर इसके बाद सुक्रोलोज, फिर इसके बाद अली टेम, अली तो सबसे लास्ट में नहीं, 2000, फिर शुरू में क्या होगा, पहला पहला नाम बताओ, ऐसे एस्पार्टेम, फिर इसके बाद सैकरीन, फिर सुक्रोर, फिर इसके बाद एलिटेम, ठीक है ना, 100, 550, 600 क्या गुना, किससे, शुगर केन सुक्रोज से, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, एस्पार्टेम में क्या लिखा है, अच्छा देखो क्या है, पहले दिमाग में एक बात हम बनाना चाह रहे हैं इस पे, कैसे, ए 2000 गुना मीठा है, उसको तो बहुत दूर रखो, अलग कर दो, इतना ज्यादा मीठा है कि उसको तुम बर्दाश्त, एक दाना भी ज्यादा हो गया तो पूरा खाना खराब, इसलिए 2000 वाले को यूज, बहुत ज्यादा मीठा है ना यार, समझो पहले बात को, हम बार बार बोल रहे हैं इसलिए कि उसका यूज नहीं दिया हमारे कोर्स पे। अब बचा तीन, तीन कौन से बचे, 100 वाला, 550 वाला, 600 वाला, कम कौन है, अब यूज में ज्यादा कौन है, 600, तो कम का मतलब लो टेम्परेचर पे कौन होगा, एस्पार्टेम यानी 100 वाला, तो पहले देखो पढ़ा क्या, 100 वाले के नीचे वाइडली यूज्ड इन कोल्ड ड्रिंक एंड सॉफ्ट ड्रिंक, और जनरली क्या हो, क्योंकि ये ठंडे होते हैं ना, तो कम टेम्परेचर पे, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे तुरंत कुकिंग वाले में टेम्परेचर 100 डिग्री पे क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, अनस्टेबल होते हैं, देखो लिखा ब्रैकेट में, अनस्टेबल एट द कुकिंग आर हाई टेम्परेचर, तो कम वाले को क्या करो, कम मान लो, कम टेम्परेचर में मान लो, काम खत्म तुम्हारा।
अब आ जाओ 600 वाले के नीचे, 600 वाले के नीचे मतलब सुक्रोलोज में क्या लिखा है, ट्राइड, ये क्या लिखा है, ट्राइड सुक्रोज, ठीक है इसको छोड़ दो, स्टेबल एट कुकिंग आर हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, बात समझ में आए, अली टेम को हमें यूज नहीं करना, तीन बचे उसमें से कम वाले को, 100 वाले को कहाँ यूज करना है, लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे, 600 वाले को, अच्छा वाले 600 वाले क्या बोलोगे, सुक्रोलोज, क्या बताओगे, सुक्रोलोज, याद हो रहा है ना यार, यही याद करने का टाइम, इसके बाद तो बस गड़बड़ा गया फिर, नहीं अब 20 वाला डायबिटीज को दे दो, जाओ भैया ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा बीमार है ना, नहीं समझ बात आई, 20 वाला किसके लिए, डायबिटीज के लिए, देखो क्या लिखा है, अब भैया 20 वाला डायबिटीज है क्योंकि डायबिटीज बहुत पहले से है ना, कोल्ड ड्रिंक बाद में आई, इसलिए क्या बीच वाला जो तुम्हारा कौन है, साइक्रीन है, वो क्या है, फर्स्ट स्वीटनिंग एजेंट लिखा है, क्या देखो, फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट यूज बाय डायबिटिक पर्सन, याद हो गया कि नहीं याद हो गया, तो पहला क्या, ऐसे शुक्रगुजार अली हैं, ऐसे मतलब एस्पार्टेम, शुक्रगुजार मतलब ऐसे सच्चे, वही तो कह रहे कुछ फिटिंग नहीं सही बैठ रही है, ऐसे सच्चे शुक्रगुजार अली हैं, ऐसे मतलब सच्चे मतलब शुक्रगुजार मतलब अली मतलब सौ अली टेम का यूज, कम को कम टेम्परेचर में, ज्यादा को सौ वाले को सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक क्यों, और 600 वाले को कुकिंग टेम्परेचर पे क्यों, डायबिटीज वालों को वो अपने आप आ जाएगा, फर्स्ट स्वीटनिंग आर्टिफिशियल तो है ही है ना, वो तो हेडिंग ही है, नीचे भैया एक स्ट्रक्चर पढ़ के जाना है, और कितना अच्छा है, साइक्रीन बेंजीन बनाओ, एक तरफ सीओ एक बार एसओ टू, पहले देखो तो उसको, बेंजीन के एक कार्बन से सीओ जोड़ो, एक कार्बन से नीचे तरफ एसओ टू जोड़ो, अब बीच में एस टू जोड़ दो, देखो साइक्रीन के नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा है, उसका नाम आर्थो सल्फो बेंजीमाइड, आर्थो, अच्छा सीओ एन एस टू बेंजामाइड एमाइड के लिए होता है, और एक तरह एसओ टू ग्रुप लगा है, तो इसलिए क्या बोला, आर्थो सल्फो बेंजीमाइड, खत्म, समझ पाए हो कि रह गया, क्या बोलोगे फिर से बोलो, क्योंकि एक तरफ सीओ एक तरफ एसओ टू बीच में एनएच, सीओ एन एस टू को एमाइड ले जाओ, एसओ टू को क्या लियो, सल्फो ले जाओ, तो आर्थो पोजिशन में ना अगल बगल है, तो बोलेंगे आर्थो सल्फो बेंजीमाइड, फिर से बोलो, फिर से बोलो, नीचे आ जाओ फूड प्रिजर्वेशन, देखो सुनो तुमने देखा होगा मम्मी अचार रखने के लिए नमक तेल, नहीं सरसों का तेल डालते ना खराब नहीं होता अचार, दादी रख के गई थी 3 साल पहले होता है ना दादी मतलब रखी थी अब नहीं है तो कभी कोई आ गया तो इमोशनल सुनाने लगते, मारो दादी से बहुत लगाव था, दादी ने रखा था तो जिसको खाने के दिया वो भी परेशान खाए कि समझ रहा हूँ, हाँ बहुत खाते टाइम सब बातें बता रहे हो, या तो आप इमोशनल हो ले है ना, तो या तो इमोशनल हो ले या तो फिर खा ले, तो फिर कुछ देर के लिए रुका रह जाता है, तो आ जाओ तो यहाँ पर देखो पहली बात अचार वगैरह ध्यान रखना, टेबल साल्ट है, नमक मिलाया जाता है तो खराब नहीं होती कोई चीजें, फिर दूसरा शुगर, तुम देखो मुरब्बा वगैरह रखा क्यों जाता था, है ना मुरब्बा अभी भी रखा जाता है, तो मुरब्बा जो है क्यों रखा जाता था, मतलब क्योंकि एक्चुअली आंवला को ऐसे रख दोगे खराब हो जाएगा, और चाशनी में डुबो के रखोगे तो खराब नहीं होगा, तो किसकी तरह काम किया, प्रिजर्वेटिव की तरह, समझ में आई बात, चलो फिर वेजिटेबल ऑयल, घी, अभी हमने तेल बोला ना अचार को पूरा, जो को कभी कभी घर में होता है जो तेल में डूबा नहीं रहता अचार वो गुस्सा हो जाता है, वो अलग सफ़ेद सफ़ेद अपना दिखाने लगता है, फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है, नहीं हाँ, पर मम्मी उसका भी काम चला लेती है, धूप पे रख के कहते अभी सही हो जाएगा, नहीं अब आगे वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर घर में जो हम लोग देखो कि कोई भी जो फूड हम लोग देखे तुम लोग पीते हो ना जाके के वो मैंगो वाला स्लाइस और क्या क्या पीते हो, फ्रूटी माजा सब में, इसमें बेंजोएट मिल रहता है आराम से, आम सड़े ना खराब ना हो तो बेंजोएट, बेंजोएट नुकसान करता नहीं है फिलहाल क्योंकि वो हमारे डाइजेस्टिव पार्ट में जाता नहीं, सीधे वैसे ही जाके बाहर निकल जाता है, तो इसको माना जाता है नुकसान नहीं करता, लेकिन ये मान के चलो कि वैसे इन चीज़ों को अब मना ही किया जा रहा है ना यार, क्योंकि कोई चीज़ जो रखे रखे हो रही है उसमें चेंज केमिकल चेंजेज आते हैं, जब केमिकल चेंजेज आते हैं तो शरीर को क्या करते हैं नुकसान, शरीर में वही चीज़ भेजना जरूरी होता है जो क्या हो जिस रूप में नेचर उसको दे रहा हो, अगर बदल के दे रहे हो तो हमारा
जो जीन है वो उसमें परिवर्तन हो, इसीलिए कैंसर वगैरह बहुत सारे इसीलिए तो हो जाता है। हमारे शरीर में पहले क्या था, अब शरीर हमारी टोबैको की स्मोकिंग धुएं के लिए थोड़ी बनी है। अब क्या करते हैं लोग, मुंह से लेते हैं, नाक से निकालते हैं धुआं, तो जीन भी डिस्टर्ब हो जाती है, पता नहीं कौन से तरह का चीज ये खा पी रहा है ना। तो ये बात समझ रहे होगे, तो सोडियम बेंजोएट है जो क्या करना है, फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज कराना है। टेबल सॉल्ट ऑयल और क्या बचा, शुगर। टेबल सॉल्ट शुगर नमक हो गया, तेल हो गया, और क्या चाशनी हो गई, और क्या सोडियम बेंजोएट। फोकस करना सोडियम बेंजोएट पे, वो ज्यादा पूछने के चांस होता है, ही पूछा जाता है।